का है? क्या सर आज जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा योजना शुभारंभ किया गया, क्या लगता है सर समाज में मुख्यतः क्या लाभ होंगे इस योजना से? आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसके साथ साथ विश्वकर्मा पूजा भी है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी भारत के लिए विश्वकर्मा के रूप में हैं और उस भारत को गढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के द्वारका में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि के नाम से एक बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर आप मान सकते हैं उसको, 250 एकड़ में फैला है जिसमें एग्जीबिशन से लेकर के मीटिंग के रूम से लेकर के सब कुछ है। और दुनिया में यदि कोई भी कार्यक्रम करना होगा तो वहाँ होगा। और वहीं से उन्होंने आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। आज से 500-700 साल पहले भारत जब सोने की चिड़िया कहलाती थी तो दुनिया भारत में हर गांव में शिल्प थे और गांव आत्मनिर्भर था। धीरे धीरे गांव बाजार बन गया, बाहर से लोग सामान खरीदने लगे, लेकिन अभी भी शिल्पकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी वो शिल्प जिंदा है, वो हुनर उनको जिंदा है। उस हुनर को पुनर्जीवित करना है, उन्हें फिर मौके देना है, फिर नई टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ना है। तो आज 18 शिल्प को लेकर के उन्होंने पीएम योजना शुरू की, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। इसमें भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ 18 योजना, बढ़ईगिरी भी है, लोहारगिरी भी है और उसका आज शुभारंभ हुआ। और बिहार जो गरीब राज्य है इसमें एक से एक शिल्पकार हैं, उसको बहुत लाभ होगा इस योजना से, ये मेरा विश्वास है। और बाहर आकर मैंने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत उन्होंने की, आज मैंने इसका यहाँ शुभारंभ किया। थैंक यू सर। सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 73वां जन्मदिन के इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में बाढ़ भाजपा के द्वारा किस प्रकार मनाया जाएगा सर? हम लोग का आज मोदी जी का जन्मदिन शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हम लोग का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें आज से शुभारंभ हुआ है, जिसमें मोदी जी का पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और आज जो वो कार्यक्रम किए हैं पीएम योजना, इसमें 18 प्रकार के कारीगरों का कार्य करने के लिए वो लॉन्च किए हैं, जिसमें लोहार, ताला बनाने के लिए बुनकर का, जाल बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए आदि इत्यादि 18 किस्म का योजना है आज लॉन्च किए हैं। और इस लॉन्च में वो जो है 3 लाख तक का कम ब्याज में, न के बराबर ब्याज हो, वो रोकथाम करने के लिए योजना लॉन्च किए हैं। और वो तो ये सभी कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो योजना लॉन्च की और ये हम लोग का आज शुरू हो गया है। कल जो है ब्लड डोनेट करने का योजना है, उसके बाद फिर हम लोग को आयुष्मान भारत के द्वारा जो है कार्ड बनाने का है, स्वास्थ्य कार्ड बनाने का योजना है। उसके बाद मन की बात है, फिर दीनदयाल पंडित दीनदयाल जी का जो जयंती है। तो क्या लगता है सर कि बाढ़ क्षेत्र में, चूंकि हम लोग बाढ़ क्षेत्र से, बाढ़ क्षेत्र में जो हाशिए वर्ग पे जा चुके इस तरह के शिल्पकार हैं, चाहे वो लोहार हो या मोची हो, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, क्या उनको स्किल दिया जाएगा तथा लोन की जो बात की गई है इस विश्वकर्मा योजना में लाभ मिल पाएगा? नहीं नहीं, बहुत हम लोग भी प्रयास करेंगे। ये लॉन्च हुआ है लेकिन हम लोग का जिम्मेदारी है जी सर, उन लोग को घर घर जाकर प्रोत्साहन देना और बताना। मेन तो है जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल कि किस तरह से हम लोग को लोन मिलेगा, क्या हम लोग को कार्ड करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है। हम लोग को उनको बुला बुला कर ट्रेनिंग का भी व्यवस्था ये सरकार ने कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको जब तक सिखाएंगे नहीं कारीगर को,
तो फिर वो आगे मतलब धरातल पर इस योजना का क्रियान्वयन करने में भी आप लोग तत्पर रहेंगे। 100% इन लोग को बनाएंगे। जब ये आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हम लोग का जो है 2047 में विकसित देश हम लोग कैसे बनेंगे। अच्छा सर, विपक्ष का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है, ये अगला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जाति को टारगेट करने के लिए लाया गया योजना को। नहीं, जाति का टारगेट यहाँ नहीं है। ये जो है विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये विश्वकर्मा भगवान के जो आज हम लोग मना रहे हैं, तो विश्वकर्मा योजना हुआ कि कल कारखाने जितने भी होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कोई जाति बेसिक पर नहीं है जी। ये हर समाज के लोग अपना कारीगरी का उपयोग करके कारीगर बनेंगे, अपना योजना चलाएंगे, किसी जाति विशेष का ये योजना नहीं है। थैंक यू सर। हम लोग को ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अभिभावक विनोद नारायण झा जी, जो कि पूर्व के